गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री ऑफ डीप लोक एलिमेंट्स, उसमें आपके पास एक टॉपिक है लैटिमर एंड फ्रोस डायग्राम। आज हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब देखो, बेसिकली हमारे पास है कि दो डायग्राम है। लैटिमर एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने डायग्राम दिया था, उस डायग्राम को हम बोलते हैं लैटिमर डायग्राम। सिमिलर वे में फ्रोस डायग्राम जो है वो फ्रोस साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए उसको बोलते हैं फ्रोस डायग्राम। अब बेसिकली जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी एबिलिटी होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करने की। तो लैटिमर डायग्राम बेसिकली है क्या कि किसी एलिमेंट की जो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको जो है हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करेंगे लेफ्ट टू राइट। मीन्स लेफ्ट साइड में जो है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, देन उससे लो होगी, उससे लो होगी, तो लेफ्ट टू राइट जो उनका ऑर्डर है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर होगा। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है स्टैंडर्ड पोटेंशियल की, पोटेंशियल को हम वोल्ट्स में मेंशन करते हैं, उसे जो है हम एरो के ऊपर जो है मेंशन करेंगे कि डिफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट में जो पोटेंशियल है उसका चेंज होने का, वो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है। अब जैसे ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, और लैटिमर डायग्राम को हम रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम भी बोलते हैं। ओके, अब देखो जैसे मेरे पास कोई जनरल रिएक्शन है, कोई भी एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट A1 A2 A3 एंड A4 डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 +3 +2 एंड +1। तो लैटिमर डायग्राम है क्या कि जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट उनको जो है हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो है उसके पोटेंशियल लिखे होंगे। मींस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को +3 चेंज होने में कितने पोटेंशियल है, +3 से +2 में कितना है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। इफ़ सम स्पीशीज हैव हाई पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, इट मीन्स इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जिस स्पीशीज का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी हाई वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या हुआ, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अब देखो जैसे A1 टू A2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 चेंज होने में 0.7 +0.7 वोल्ट है, दैट मीन्स कि जो A1 स्पीशीज है ये क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट अगर हमारे पास किसी स्पीशीज की नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उसका मतलब क्या होगा, वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे यहाँ पे A3 से A4 में चेंज होने में नेगेटिव है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, दैट मींस A3 क्या हुआ, गुड रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। सिंपल वे में इसको कैसे देते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूसिंग पावर के। जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी उतनी ही ऑक्सीडाइजिंग पावर स्पीशीज की ज़्यादा होगी, और इसके साथ जो है इनवर्स रिलेशन होगा उसका। ओके, अब देखो जैसे मेरे पास तो ये स्टेप बाय स्टेप है कि A1 टू A2 में चेंज होने में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.7 वोल्ट है। सिमिलर वे में A2 से A3 में चेंज होने की वैल्यू 0.2 वोल्ट है। अगर मैं A1 टू A3 बात करूँ, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, वो 1.8 वैल्यू है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास 0.9 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एडजेसेंट ना होके अलग अलग स्पीशीज है कि हमें A1 टू डायरेक्ट A3 में चेंज होना है, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा वो हम उसकी डेल्टा जी वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे। A1 टू A3 जाना है या फिर A1 टू डायरेक्ट A4 जाना है, तो उसका जो अगर हमें पोटेंशियल चाहिए वो जो है उसके डेल्टा जी वैल्यू से मिलेगा। हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। उसका भी रीज़न है कि जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं, जो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसे हम ऐड कर सकते हैं कंप्लीट रिएक्शन के लिए, बिकॉज वहाँ पे जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब भी हम रिडॉक्स कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोनों साइड उनको बैलेंस करके कैंसिल आउट कर देते हैं ना, तो जो हम पोटेंशियल ऐड कर सकते हैं, ये जो हम पोटेंशियल ऐड कर रहे हैं ये कंप्लीट रिएक्शन के लिए ऐड हो सकता है। हाफ रिएक्शन के लिए जो पोटेंशियल है वो ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं होते। तो वहाँ पे जो है हम उसकी फ्री एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। यहाँ से जो है हम इसकी डेल्टा जी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, Fe3 पॉजिटिव चेंज होता है Fe2 पॉजिटिव में, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है +0.77 वोल्ट। Fe2 पॉजिटिव चेंजेस इनटू Fe, इसका है -0.44 वोल्ट। हमें जो है Fe3 पॉजिटिव टू Fe का पोटेंशियल निकालना है, क्लियर। अब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, -NFE। इन दोनों रिएक्शंस को मैं सेपरेट लिखती हूँ, Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव, 0.77 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, -NFE, Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो N की वैल्यू 1, F और E की वैल्यू हमें गिवन है 0.77। इसको पुट कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगी डेल्टा G1, लिख लो इसको, G1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में Fe2 पॉजिटिव Fe में चेंज हो रहा है, इसके लिए डेल्टा G2।
अब टू पॉजिटिव यहाँ पे कितने हैं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इन्वॉल्व, टू, तो एन की वैल्यू आ जाएगी टू इंटू एफ, पोटेंशियल इसका गिवन है -0.44, तो ये आपके पास डेल्टा जी टू की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें डेल्टा जी जाएगी दोनों का सम कर देंगे तो ये हमारे पास आता है 0.11 फैरेड। अब हमें क्या चाहिए, एफ ई थ्री पॉजिटिव को एफ ई में चेंज करने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। एफ ई थ्री पॉजिटिव टू एफ ई, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE, डेल्टा जी की वैल्यू ये हमारे पास आ गई है 0.11 F इक्वल्स टू एफ ई थ्री पॉजिटिव एफ ई में चेंज हो रहा है, फिर से यहाँ पे जीरो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो गया, थ्री, एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी। एफ ई, एफ से एफ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपको पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, ई की थ्री को राइट साइड में ले आएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -0.04। और यही थी एफ ई थ्री पॉजिटिव से एफ ई में चेंज होने के लिए वैल्यू। ओके, तो अगर हमारे पास जो है, हमें पोटेंशियल जो है, ये सारी की सारी रिएक्शन जो है ये हाफ रिएक्शन है, इसमें हम पोटेंशियल को ऐड नहीं करेंगे, अगर हमें यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेट से किसी और स्टेट में चेंज करने के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा जी वैल्यू से। अब आगे बात करिए, तो था लैटिमर डायग्राम, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रोस्ट डायग्राम की। फ्रोस्ट डायग्राम भी क्या है, एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें जो है हम रिडोक्स रिएक्शन को जो है वोल्ट इक्विवेलेंट प्लॉट ड्रॉ करते हैं। ग्राफिकल मेथड वोल्ट इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन होती है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -NFE नोट, एन इंटू ई नोट की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो एफ को हम डिवाइड में ले आएंगे तो -NE नोट की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा जी नोट डिवाइडेड बाई एफ, तो इसको हम बोलते हैं वोल्ट इक्विवेलेंट। तो फ्रोस्ट डायग्राम में बेसिकली है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, वोल्ट इक्विवेलेंट की अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट। वोल्ट इक्विवेलेंट को लेंगे हम वर्टिकल एक्सिस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। कि यहाँ पे जो है हम ग्राफिकल मेथड है जिसमें क्या हम रिडॉक्स रिएक्शन में और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके बीच में जो है हम रिलेशन जो है ड्राइव कर सकते हैं, एंड द प्लॉट ऑफ वोल्ट इक्विवेलेंट अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं फ्रोस्ट डायग्राम। अब इसके मेन फीचर्स देखते हैं इस डायग्राम के क्या हैं। मोर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल स्टेट्स विल बी फाउंड लोअर इन द डायग्राम। एक मेटल है उसकी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें से जोन से भी सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, डायग्राम में लोअर साइड पे प्रेजेंट होगी। अब जैसे ये मैंगनीज के लिए बनाया हुआ है, इसमें देखो सबसे लोअर स्टेट में कौन सी है, Mn+2, दैट मीन्स कि जो Mn+2 होगी ये क्या होगी, थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल स्टेट होगी। स्पीशीज दैट इज हाई ऑन द लेफ्ट साइड विल बी स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग, हाई वैल्यू होगी लेफ्ट साइड पे, ये इसकी लेफ्ट साइड है MnO42-, MnO4-, ये सबसे हाई वैल्यू है इसकी, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। MnO4- इज हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्पीशीज दैट इज हाई ऑन द राइट साइड, अब देखो ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, इसमें जब से सबसे लोअर जो वैल्यू जिसकी होगी वो थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल होगा, लेफ्ट साइड पे जो सबसे हाई वैल्यू होगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एंड द स्पीशीज दैट इज हाई ऑन द राइट साइड विल बी स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग होगा। अब राइट साइड पे हम हायर वैल्यू रखें किसकी, Mn की, मैंगनीज मेटल की, दैट मीन्स कि जो मैंगनीज मेटल है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर, तो इस वे में जो है फ्रोस्ट डायग्राम की हेल्प से जो है हम रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें से कौन सी जो है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी किसी भी एलिमेंट की। और इसमें जो है पीएच वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो उससे जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो भी चेंज होती है। चेंज इन पीएच चेंजेस द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि अगर मेरे पास पीएच यानी कि एसिडिक मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है, दोनों ही मीडियम में जो स्टेबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। क्लियर, तो ये है लैटिमर एंड फ्रोस्ट डायग्राम। लैटिमर डायग्राम की हेल्प से जो है हम पोटेंशियल के बारे में कि उसमें है क्या, बेसिकली हमने लेफ्ट टू राइट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखा है और उसके पोटेंशियल की वैल्यू देखी है। एंड फ्रोस्ट डायग्राम क्या है, इसमें स्टेबिलिटी की जो एक एलिमेंट की वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें से कौन सी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू होगी स्टेबिलिटी की ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये मीडियम के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी, जैसे जैसे पीएच चेंज होगी, एसिडिक मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी है वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट की वो भी क्या होगी, चेंज होगी। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट लैटिमर एंड फ्रोस्ट डायग्राम। थैंक यू।